Assalamualaikum viewers, आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा चैनल डब्ल्यू बी क्रिएशंस और मैं हूं आपके साथ आपका अपना नुमान मुझे। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में, लास्ट दो तीन लेक्चर्स में हमने देखा था कि वर्ड प्रेस जो वर्ड एमएस वर्ड है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे और मैं इस प्रैक्टिकल में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज या किसी भी मदरसे का जो रिजल्ट कार्ड है वो बनाने की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। सो मैं आज अपना जो है अपनी वीडियो है वो एक छोटा सा रिजल्ट कार्ड जो कि जिसी यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट है वो बनाने की कोशिश करूँगा। सो आप मेरे साथ रहिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जिस भी इंस्टीट्यूट कि का रिजल्ट कार्ड बनाना है सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, गवर्नमेंट गोरमिन जीओ बी ई आर एन एम ए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। सो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको अलाइन सेंटर कर लेते हैं और जो हमारी इसमें मिस्टेक हैं उनको करेक्ट कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी का यू, कॉलेज का सी कैपिटल। उसके बाद आपने लिखना है इसके अंदर जो कंट्रोलर होता है उसका लिखते हैं कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड एग्जामिनर। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कंट्रोलर एंड एग्जामिनर को। उसके बाद स्टेशनरी एनालिसिस एस टी ए टी आई एस टी आई सी एस सिकल एनालिसिस एल वाई एस आई ऑफ रिजल्ट आई एस एल टी रिजल्ट। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, पहले से ही हुआ। तो उसके बाद आप जिस चीज़ का रिज़ल्ट लिखना चाहते हैं, मतलब जो भी आपके पास जिस क्लास का रिज़ल्ट आउट हुआ है या आप मेंशन करना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ ए डी ए का एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स, उसके बाद ए डी एस एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस, साइज जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर लें जी। नेक्स्ट आप जो जिस आप जिस सब्जेक्ट का मतलब आप एडीए का पहले जो है रिजल्ट मेंशन करना चाहते हैं वो लिख लें, टॉप पोजीशन, टॉप ताकि नजर आए जो है रिजल्ट वो मेंशन कर रहे हैं।
Other name